आप डीएपी खाद में मिलावट की जांच क्यों करते हो? हम मिलावट खाद की जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल बाजार में आने वाले खाद जैसे डीएपी खाद में मिलावट के कारण उसकी जांच कर रहे हैं। डीएपी खाद में मिलावट की जांच करने में आप कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले हमें कुछ डीएपी की आवश्यकता पड़ती है और इसके बाद हमें लोहे के तवे की आवश्यकता पड़ती है और हमें तवे को गर्म करने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले भैया हम आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद हम तवा रख देंगे। जब तवा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब हम उसमें कुछ डीएपी के कुछ दाने डाल देंगे। इस प्रकार हम दाने डाल देते हैं। इससे हमें कैसे पता लगेगा कि डीएपी असली है या नकली है? इसकी पहचान असली या नकली की ये है कि अगर दाने फूल गए तो ये तो असली है और नहीं फूला तो मिलावट है। अच्छा, अब ये डीएपी फूल गया है, ये डीएपी अब असली है। आज आपने हमें डीएपी खाद में मिलावट की जांच करके बताई, इससे आपको क्या क्या फायदे हैं? असली नकली पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, कोई खर्चा नहीं आता और आसान विधि है, और इस विधि को अपनाकर बाजार में होने वाली ठगी से हम बच सकते हैं। शरद जी, आज आपने हमें डीएपी खाद में मिलावट की जांच करके बताई, इसके बाद आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम, और मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए हमें जागरूक होकर खेती करनी होगी और नई तकनीकों को अपनाना होगा। इस विधि को अपनाकर किसान भाई बाजार में होने वाली ठगी से बच सकते हैं। शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें डीएपी खाद में मिलावट की जांच करके बताई और उसके फायदे बताए और हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया। अच्छा, तो भैया राम राम। राम राम भैया। जैसा किसान भाइयों आपने देखा, हमारे किसान श्री शरद जी ने आज हमें डीएपी खाद में मिलावट की जांच करके बताई। हम आशा करते हैं कि आप सभी किसान भाई इसी तरीके से डीएपी खाद में मिलावट की जांच करेंगे और होने वाले नुकसानों से बचेंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।